सुपर फ्लॉप एक्टर केआरके ने किया बहन जी का अपमान। बहन जी पर केआरके का बेहद घटिया कमेंट। केआरके की गिरफ्तारी की उठ रही मांग। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फ्लॉप और बेहद घटिया एक्टर केआरके यानी कमाल आर खान ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती के बारे में बहुत ही घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहन जी का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर केआरके ने बहन जी के बारे में ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया कि हम उसे आपको पढ़कर भी नहीं सुना सकते। केआरके ने बहन जी को लेकर कई ट्वीट किए और उनके बारे में बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। एक दलित महिला नेता के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल में केआरके के अंदर जातिवादी कुंठा बाहर आ गई और उसके हर ट्वीट में दलित समाज को अपमानित करने वाले शब्द आ गए। सोशल मीडिया पर केआरके की सरकत का कड़ा विरोध हो रहा है और लोग जमकर उसकी निंदा भी कर रहे हैं। कई लोग केआरके की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग बहन जी के अपमान करने वाले इस घटिया शख्स के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और साथ ही उसे कड़ा जवाब भी दे रहे हैं। दरअसल बहन जी ने यूपी में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार के बाद बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर बसपा की हार के लिए मुस्लिम समाज को जिम्मेदार बताया था। बहन जी ने अपने बयान में कहा था, बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी लोकसभा आम चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। आपको बता दें कि मायावती ने इस बार यूपी में किसी भी पार्टी के मुकाबले सबसे ज्यादा टिकट मुसलमानों को दिए थे। मायावती ने कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया अलायंस को वोट किया और बसपा से उन्होंने दूरी बना ली। यही कारण है कि बसपा अध्यक्ष ने अब आगे से मुसलमानों को सोच समझ कर टिकट देने का ऐलान कर दिया। लेकिन बहन जी के इस बयान पर केआरके जैसे जातिवादी शख्स ने घटिया कमेंट्री करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहन जी के मुसलमानों पर बयान के ऊपर ऐसी ऐसी बेकार बातें लिखी कि उन्हें जनता के सामने बोलकर या पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता। एक के बाद एक केआरके ऐसे ट्वीट करता रहा और जो लोग उसे उसकी हरकत पर टोक रहे हैं उन्हें भी वो अमर्यादित तरीके से अपमानित कर रहा है। अब तक के सबसे फ्लॉप और बेहद ही घटिया एक्टिंग के लिए बदनाम केआरके यानी कमाल आर खान एक विवादित शख्स हैं जो इस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल करके फेमस होने की कोशिश करता रहता है। टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक अक्सर वो फिल्मी सितारों के बारे में भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है और अब उसने बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता बहन जी के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। ये सच है कि इस बार बसपा के दलित मुस्लिम फैक्टर ने काम नहीं किया और बसपा का यूपी में वोट शेयर करीब 10% कम हो गया और ये अब 9.38% पर आ गया। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बसपा एक सीट भी नहीं जीत पाई और इस वजह से बहन जी ने कह दिया कि मुसलमानों को भरपूर टिकट देने के बाद भी उन्होंने बसपा का साथ नहीं दिया, इसलिए आगे से उन्हें सोच समझ कर टिकट दिया जाएगा। इसी बयान से केआरके जैसे बेहुदे लोगों को मिर्ची लग गई और वो दलित समाज की सबसे बड़ी नेता का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहा। केआरके की सरकत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।